हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट प्लेस डिजिट। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन कंसिडर करें 15 15 की पावर 3 2 9 1। कई बार इस तरह क्वेश्चन दे देता है और हमें आंसर में पूछते हैं कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। यूनिट प्लेस डिजिट मतलब जो इसका आंसर आएगा इसे सॉल्व करने के बाद उसका लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या होगा। इस तरह का हमें क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होता है वो इस नंबर पे, इसके यूनिट प्लेस पे डिपेंड करते हैं। इसका यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है? इसका यूनिट प्लेस होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमें क्या कौन कौन सा नंबर देखने को मिल सकता है? एक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से हमें यहाँ पे कोई भी नंबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम उसी मेथड से हम आज करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी नंबर की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि अगर यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे कौन सा यूनिट प्लेस डिजिट होगा, अगर यहाँ पे 6 हो तो यहाँ पे कौन सा यूनिट प्लेस डिजिट होगा, यहाँ पे अगर 9 हो तो यहाँ पे कौन सा यूनिट प्लेस डिजिट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अगर जो हमें गिवन नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे 0 1 5 या 6 में से कोई नंबर हो, ठीक है, 0 1 5 या 6 में से कोई नंबर दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए कैटेगरी होती है। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 दिया हो तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी 0 होगा, 1 दिया हो तो 1 होगा, 5 दिया हो तो 5 होगा, 6 दिया हो तो 6 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 2 0 की पावर करनी है यहाँ पे 3 2 9, इसका यूनिट और मैं आंसर लिखना है इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। जो आंसर है इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0। और अभी मैंने बताया जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो उसका आंसर में भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं यही क्वेश्चन लूँ 3 2 6 की पावर 3 9 3 2 3, इतनी बड़ी पावर दे दूँ और मैं पूछूँ आंसर के अंदर यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, हमने यहाँ पे पावर को तो देखना ही नहीं है, पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमने पावर को तो देखना ही नहीं है, पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमने देखना है इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है। इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमें क्या दिया हुआ है? 6। और 6 के लिए हमेशा इसका आंसर में क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 के लिए 0 होता है, 1 के लिए 1 होता है, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 यूनिट प्लेस डिजिट। दूसरे हम नंबर कंसीडर करने जा रहे हैं, बाकी हम नंबर लेते जैसे 4 और 9, ठीक है। 4 और 9 के लिए क्या ट्रिक होती है वो हम देखते हैं। जब हमें 4 और 9 के लिए देखते हैं तो हमें पावर देखनी पड़ती है, पावर ओड है या इवन। जैसे कि मैं कोई भी नंबर लेता हूँ एक्स, इसकी पावर लेते हैं जेड, ठीक है, इसकी पावर क्या है? जेड। अब हमें एक्स जेड जो हमारा, इसे हम देखना पड़ेगा हमें इवन है या ओड है, इवन है या ओड। इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ओड का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर कोई भी डिजिट है उसकी पावर हमें इवन दी हो, ठीक है, उसकी पावर हमें क्या दी हो? इवन। तो 4 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास क्या होगा? 4 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट होगा 6। 4 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास क्या होगा? 6। और 9 के लिए होगा 1, ठीक है। अगर हमें पावर ओड दी हो, ओड के लिए यूनिट प्लेस, 4 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 4 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट 4 ही होगा। और 9 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 9। ये सारा किस पे डिपेंड करता है? पावर पे। जैसे मैं कुछ देखना चाहता हूँ, जैसे 24 की पावर ले लूँ मैं 28 क्या है? 28 इवन नंबर है, 28 इवन नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास क्या होगा? इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमारा होगा इवन नंबर के लिए क्या होता है? 4 का 6। यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस डिजिट कितना है? 4 है, तो इसका आंसर में क्या आएगा? 6 आएगा। इसका आंसर में कितना आएगा? 6। अगर यही मैं लेके चलता 29 की पावर 39 क्या है? एक ओड नंबर है, 39 क्या है हमारे पास? ओड नंबर। ओड नंबर के लिए क्या होता है? ओड नंबर के लिए जो डिजिट दिया है वही इसका यूनिट प्लेस डिजिट होता है। इसके यहाँ पे क्या दिया है? 9। तो यही हमारा क्या होगा? यूनिट प्लेस डिजिट 9। अब हमारी ट्रिक किस किस के लिए होगी? हमारी ट्रिक होगी 0 1 5 6 और 4 9। बाकी कौन कौन से नंबर बच गए? बाकी नंबर हमारे पास बच जाते हैं 2 3 2 3 7 और 8, ये नंबर बच गए। इनके लिए भी मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, क्या 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्या है? 2 3 7 8 2 3 7 और 8, इन नंबर के लिए क्या होता है हमारे पास? ठीक है, इनके लिए हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। इन्हें करने के लिए हमें क्या करना है? 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, और स्टेप सेकंड, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझें ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। हमें कोई डिजिट दिया हुआ है 1 3 4 6 4 7, इसकी पावर हमें कितनी दी हुआ है? 5 5 3, इसकी पावर हमें क्या दी है? 5 5 3। स्टेप वन के अंदर हमने क्या करना है? कोई भी डिजिट दिया हो उसकी पावर ले लेनी है, उसकी पावर कितनी है? 5 5 3।
इससे किससे डिवाइड करना है, इसे फोर से डिवाइड करना है। हमने पावर ली, उसे फोर से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आए वो लिख लेना है। इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, इसे फोर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है वन, इसका जो रिमाइंडर है वो हमने लिख लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमें गिवन नंबर है उसे दोबारा से लिखना है 1, 3, 4, 6, 4, 7 और जो रिमाइंडर आया वो इसकी नई पावर बन जाएगा। इसकी पावर कितनी आएगी, 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट लेना है 7, उसकी जो भी हमें पावर दी है वो पावर करके हमें वो पावर यहाँ पे लिख देनी है। पावर हमें कितनी दी है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। इज इक्वल टू 7 की पावर 1 करें तो 7, तो हमारा आंसर के अंदर क्या आएगा, आंसर हमारा इसका यूनिट प्लेस डिजिट में क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगर हमें एक और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, अगर जो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करें किसी नंबर, उसका रिमाइंडर कुछ आए ना, उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। जैसे 5, 5, 2 लेके चलते हैं, 5, 5, 2 लेके चलते हैं, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अंदर रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 बनेगा इसका रिमाइंडर। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करें, जो हमारा गिवन नंबर है 1, 3, 4, 6, 4, 7, हम इसकी पावर 4 लगा देंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो, अगर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम जो नंबर दिया है उसकी पावर 4 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर बना दें, 7 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। 7 की पावर हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है जी, हमारा आंसर क्या आएगा, 7, 7 जा 49, 7, 7 जा कितना हो गया, 49। इसका हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट बनता है 1। 7 की पावर 4 करें तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो आंसर लेना है हमने, इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, इसके भी यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। टू, अब हम एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप इसे कभी भूलो मत, ठीक है जी। मैं अगर हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कुछ हो तो उसका आंसर वही रहता है, उसका आंसर वही रहेगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। अगर हमारा जो गिवन नंबर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 या 9 में से कुछ आ जाए तो उसके लिए हम देखेंगे उसकी पावर ओड है या इवन। अगर पावर हमारे पास इवन है, अगर लास्ट में 4 दिया है तो उसका 6 आंसर लिखेंगे, अगर हमारे पास 9 दिया है तो उसका आंसर 1 लिखेंगे। अगर जो पावर है, पावर हमारे पास ओड है तो 4 के लिए 4 ही होता है और 9 के लिए 9 होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था, 24 की पावर 28 ली हमने, 28 हमारे पास क्या, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो तो हमारे पास 4 के लिए क्या होता है, 6 होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 29 की पावर कितनी कर दूँ, 28, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास क्या होगा, 9 के लिए आंसर कितना होता है, 1, 9 के लिए आंसर कितना होगा, 1। उसी तरह से अगर हमारी पावर ओड दे दें, ओड दे दें तो हमारे पास जो आंसर होता है वो सेम रहता है, 9 के लिए 9। अगर यहीं मैं ले लूँ 24 की पावर 49 ले लूँ, 49 में क्या, एक ओड नंबर है, 4 के लिए आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना देगा, 4। मेन ट्रिक आती है हमारे पास अब, जो बाकी नंबर बच गए 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 के लिए क्या ट्रिक होती है, स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है, हमने जो पावर दी हुई है, जो भी हमें पावर दी है उसे 4 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर लें, रिमाइंडर को नई पावर बना के उस नंबर की लिख दें, रिमाइंडर को नई पावर बना के लिख दें। उसके बाद जो उसकी पावर, जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको नई पावर, उसकी नई पावर लगा के हमने आंसर निकालना है। जो आंसर रहेगा वही हमारा जो गिवन नंबर उसके यूनिट प्लेस डिजिट का आंसर होगा। अगर हमारे पास पावर 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर हमारे पास क्या हो, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसकी पावर हम 4 बना देंगे और उसके यूनिट प्लेस डिजिट की पावर, नई वाली जो पावर है वो लगा देंगे 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 करने पर हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट कितना आता है, 1 आता है। तो जो गिवन, जो हमारे आंसर लिखेंगे हम, वो भी कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये कुछ ट्रिक थी यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए। अगर पावर हमें कितनी भी बड़ी पावर दी हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 625 की पावर 3, 9, 8, 7, 2, 3, 1, इसे सॉल्व करने में आपको घंटे लग जाएंगे, पर अगर मैं इसका आपसे आंसर पूछूं यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 5 के लिए क्या होता है, आंसर 5 ही होता है। इसे हम एक सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की बेस्ट ट्रिक पाने के लिए आप मेरे चैनल लर्न विद करण को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर एंड लाइक तो आपको करना ही करना है। थैंक्स।